नयनतारा विघ्नेश ने गरीब बच्चों में बांटे तोहफे, वीडियो देख यूजर्स ने सुनाई खरी खोटी। साउथ की लेडी सुपरस्टार कहलाने वाली नयनतारा और उनके पति फिल्म निर्माता विघ्नेश सिवन चर्चित कपल में से एक है। अब हाल ही में उन्होंने वंचित बच्चों और उनके परिवारों को तोहफे बांटकर अपने नए साल का आगाज किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स तरह तरह से प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं, हालांकि अधिकतर लोगों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। ट्विटर पर साझा किए गए इस वीडियो में नयनतारा और विघ्नेश सिवन को सड़क के किनारे लोगों के बीच उखाड़ बांटते हुए देखा जा सकता है। ये महज 23 सेकंड का वीडियो है, लेकिन यूजर्स तेजी से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ फैंस कपल की सराहना करते दिखे, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह वीडियो रास नहीं आ रहा, क्योंकि नेटिजंस का कहना है कि इस तरह से दिखावा करना सही नहीं है। नयनतारा और विघ्नेश सिवन का ये वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, सेल्फ प्रमोशन फिर नवा लेडी सुपरस्टार, क्या आपको होश है? सोशल मीडिया में वीडियो और पोस्ट लेना घटिया हरकत। एक अन्य ने लिखा, सांसद का टिकट हो सकता है। एक और ने भी प्रतिक्रिया दी, सांसद का पार्सल, वही कुछ तारीफ भी करते दिखाई दिए। गौरतलब है कि नयनतारा और विघ्नेश सिवन ने 2022 में 9 जून को शादी की है और सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों के माता पिता बने हैं। बॉयफ्रेंड की बात करें तो हाल ही में नयनतारा की फिल्म कनेक्ट रिलीज हुई है, जिसकी कहानी लॉकडाउन के इर्द गिर्द बुनी गई है, लेकिन मेकर्स ने इसमें हॉरर का एंगल डाला है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर भी इस फिल्म में अहम किरदार में है।